हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू में। मेरा नाम है हरमनदीप सिंह। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आइसोलेटर क्या होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल एप्लीकेशन सब कुछ हिंदी भाषा में बड़े ही आसानी से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट हो जाए। कमज़ोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ़ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आइसोलेटर क्या होता है? इज़ ए पैसिव फेरेट डिवाइस, मतलब फेरेट मटेरियल यूज़ होता है इसमें, विच अलाउज एनर्जी पास इनटू इन वन डायरेक्शन ओनली। देखिए, जो सिग्नल होता है आइसोलेटर में एक ही दिशा में जाता है। आइसोलेटर की यही एक इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल है। एंड प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन टू ट्रैवल अनदर डायरेक्शन, और दूसरी डायरेक्शन में उसको सिग्नल को रोकता है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट है, बीच में लगाया हुआ हमने आइसोलेटर। ठीक है, सिग्नल आया इनपुट से, सिग्नल जनरेटर से इनपुट आई, जाएगी आइसोलेटर में, आइसोलेटर से जाएगी आउटपुट में जहाँ पे लोड लगा है। लेकिन जो आउटपुट से सिग्नल आता है, ये देखिए, ये यहाँ पे आइसोलेटर इसे क्रॉस कट कर देता है, इसे इनपुट के पास जाने नहीं देता। यही इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, ये देखिए इस तरह का दिखता है आइसोलेटर। ये देखिए, जो हम अपने लैब्स में जहाँ पे क्लिस्ट्रॉन बेंच लगा होता है, उसमें भी ये इनपुट है हमारी ये वाली, और यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं यहाँ पे, चाहे हमारे पास CRO लगा हो जो भी, लेकिन बीच में जो लगा हुआ वो आइसोलेटर लगता है, ताकि आउटपुट से इनपुट ना जाए, इनपुट से आउटपुट जाए हमेशा। चलिए आगे वर्किंग समझते हैं हम इसकी। अब ये देखिए इसकी वर्किंग है कि ये हमारा इनपुट है, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है। वर्किंग में क्या है, यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया जाता है, ये वाला ये ट्विस्ट है। ठीक है, एक रॉ ये और लगी होती है एक फेरेड रॉड। दो चीज़ों का मतलब आप समझ लिया तो इसकी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, इनपुट सिग्नल हम देते हैं, ये देखिए इनपुट सिग्नल है, ये दिया, जब ट्विस्ट के पास आता है, ठीक है, तो 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिग्नल घूम जाता है। देखिए, सिग्नल यहाँ से गया तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज सीधा था ना सिग्नल ऊपर, ये इस तरफ को मुड़ गया, देखो मुड़ गया, तो आगे गया सिग्नल फेरेड रॉड के पास। फेरेड रॉड का पर्पज है कि वो 45 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिग्नल को घुमाती है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए क्लॉकवाइज घुमा दिया सिग्नल, और उसके बाद क्या हुआ, जैसा सिग्नल था हमारा, ये देखो, वैसा ही सिग्नल हमारा आउटपुट में आएगा। मतलब क्या होगा कि इनपुट देंगे हम तो आउटपुट आएगी। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आउटपुट में सिग्नल दें, मतलब इसे हम इनपुट बना दें, यहाँ पे सिग्नल दिया, ठीक है, फेरेड रॉड के पास में आया, तो फेरेड रॉड क्या करेगी, उसे 45, जो इसका प्रिंसिपल है 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देगी, घुमा दिया, और फिर यहाँ पे ट्विस्ट पे आया तो उसने क्लॉकवाइज घुमा दी। ये देखिए, सीधा सिग्नल था, पहले क्या हुआ, क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है, घूम गया, और फिर दोबारा से क्लॉकवाइज घूम गया, ये देखिए। तो फिर क्या हो गया, ये जीरो जो लाइन है ना इसके फेस में, तो वहाँ पे ये मर्ज हो गया, तो आउटपुट क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, जब एंगल ही ज़ीरो आ गया ना, तो आउटपुट ज़ीरो हो गई। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगी, लेकिन आउटपुट की तरफ से अगर इनपुट हमने बनाई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया आप दोबारा से इसे देख लीजिए। आगे एप्लीकेशन देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है हाई वोल्टेज डिवाइस, जहाँ पे हाई वोल्टेज लगी होती है कि डिवाइसेस ख़राब ना हो, इसी वजह से हम आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आइसोलेटर इन सबस्टेशन। देखिए, सबस्टेशन जो लगे होते हैं वहाँ भी सिग्नल
कि अगर कोई फॉल्ट आ गया ना, तो फॉल्ट आगे ना बढ़े तो हम बीच में आइसोलेटर लगा देते हैं, ठीक है। आगे सिग्नल आइसोलेशन, सिग्नल को आइसोलेट मतलब रोकने के लिए आइसोलेटर का यूज़ करते हैं। रेडियो लिंक्स में, रेडियो लिंक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न, लेबोरेटरी जो हमारे कॉलेज स्कूल्स में होती है वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्री में होता है। ये देखिए ट्रांसमीटर है, ठीक है। ट्रांसमीटर हमने हम चाहते हैं कि ट्रांसमीटर से सिग्नल एंटीना के पास जाए, लेकिन एंटीना से ट्रांसमीटर के पास ना आए। लेकिन ट्रांसमीटर ने क्या करना है भाई, सिग्नल ट्रांसमीटर तो भेजता है ना। ये देखिए ट्रांसमीटर से गया सिग्नल, होता हुआ ये आइसोलेटर, और ये फिल्टर ही होता है आइसोलेटर एक तरह का। उसके बाद ये सिग्नल गया एंटीना के पास, चला गया और फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो गया सिग्नल। लेकिन अगर कोई भी सिग्नल यहाँ से इसके पास आता है एंटीना के पास, वो सिग्नल होता हुआ आइसोलेटर इसे कट कर देगा, ट्रांसमीटर के पास जाने नहीं देगा। यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।